तो आज हम आए हैं वृंदावन के अंदर। तो वृंदावन के अंदर आ रहा है हमको बहुत ज़्यादा आनंद। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस व्लॉग के, और आपको भी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आज उद्देश्य तो हमारा ये था कि हम वृंदावन आए हैं, तो आज वृंदावन के अंदर शंकराचार्य जी भी आए हैं, तो हमने बिहारी जी के दर्शन तो हम वृंदावन में करेंगे ही। तो हमने सोचा कि शंकराचार्य जी से भी मिलें। भगवत प्राप्त बहुत ही अद्भुत महापुरुष हैं, पूर्व के शंकराचार्य जी पधारे हैं वृंदावन में, तो हम उनसे भी मिलेंगे। और अभी तो हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने, तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे कि आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो अभी हम लेंगे बिहारी जी के लिए एक सुंदर सी माला, ताकि देख जब भी हम गुरुदेव के पास जाएं या फिर हम अपने इष्ट देव के पास जाएं, तो हमको कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसीलिए हम बिहारी जी के पास जाएंगे। अभी बिहारी जी के लिए एक अच्छी सी माला लेंगे, यहाँ पे भी बहुत अच्छी माला मिल रही है। चलिए हम देखते हैं माला कैसी है, और फिर हम माला लेंगे बिहारी जी के लिए। और ये हमने ले ली बहुत सुंदर वैजंती माला हमने ली है। इस वैजंती माला का सौभाग्य है कि ये बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पित की जाएगी। बिहारी जी के श्री चरणों में कोई भी वस्तु आप अर्पित करें तो बड़े श्रद्धा भाव से करें। तो हम आ गए हैं बिहारी जी के मंदिर में। बिहारी जी के मंदिर में आज बहुत ही कम भीड़ है और हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बिहारी जी पीली पीताम्बरी पहने हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज के दिन बिहारी जी में भीड़ कम है, क्योंकि सैटरडे संडे को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। देखिए, हमको बिहारी जी की माला मिली, बिहारी जी की तरफ से हमको भी वैजंती माला प्राप्त हुई। और अभी हम आए हैं स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो ये आप भी करिए स्नेह बिहारी जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हमको स्नेह बिहारी जी के हो रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, इस आनंद की हम क्या ही व्याख्या करें। आप लोग दर्शन करिए, बोलिए जय बिहारी जी की। और यहाँ पर हम आए हैं रंगजी मंदिर के अंदर। तो ये रंगजी मंदिर है, इसी के पास में शंकराचार्य जी का आश्रम है। तो अभी शंकराचार्य जी आए नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम रंगजी मंदिर पर थोड़ा रंगजी मंदिर के दर्शन करें और देखें कि कैसा मंदिर है, कभी देखा नहीं था। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ रंगजी मंदिर के भी आप दर्शन करें, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ के। और यहाँ के दर्शन करने के बाद ही हम शंकराचार्य जी के आश्रम में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के आनंद प्राप्त करेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे। तो अभी आप इस मंदिर के दर्शन करिए, ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, और मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है ये, और वृंदावन की तो भूमि ही इतनी पवित्र है, वहाँ पे एक अलग ही आनंद आता है। ये देखिए, तो अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के अंदर, और ये देखिए प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जो साथ विराजित हैं। आप दर्शन करिए, बड़े ही सुंदर। ये देखिए, यहाँ पे चित्रकलाओं के भी दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए नारायण का विग्रह है, बड़ा ही सुंदर विग्रह नारायण भगवान का, जय श्रीमन नारायण। तो बहुत ही सुंदर विग्रह है। और यहाँ पर ये देखिए कितने सुंदर सुंदर विग्रह है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही, ये देखिए प्रभु श्री कृष्ण का विग्रह। तो यहाँ पर एक अलग ही आनंद, ये देखिए शेषनाग जी के दर्शन, बड़े ही सुंदर। भगवान विष्णु की सदैव शेष शय्या बने रहते हैं, और बड़ा ही आनंद आता है भगवान विष्णु के उनके ऊपर। तो ये देखिए, दूर से दर्शन कीजिए, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर है। आप जब वृंदावन में आएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि
बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। बस आप एक बार आइएगा, और जब आइएगा तब आप दर्शन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गरुड़ महाराज जी विराजित हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं गरुड़ जी हैं, इन पर बैठकर भगवान विष्णु भ्रमण करते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है, तो बहुत अद्भुत आनंद है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शंकराचार्य जी के आश्रम पे, और प्रवचन स्टार्टिंग होने में अभी एक घंटा है, क्योंकि अभी बजे 11, तो 12 बजे प्रवचन स्टार्ट होंगे शंकराचार्य जी के। तब हम वहाँ पर प्रवचन बैठ करके सुनेंगे और उनका दर्शन भी पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक गौशाला भी है, बहुत ही सुंदर, आप गौ माता के दर्शन भी कर सकते हैं। इधर देखिए गौ माता के बहुत ही अद्भुत दर्शन, जय हो गौ माता के। ये देखिए गौ माता, बहुत सुंदर दर्शन। ये देखिए गौ माता भगवान। तो यहाँ पर अभी हम शंकराचार्य जी के आश्रम में हैं, और गौ माता के बहुत ही सुंदर दर्शन हमने करे, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है इसमें। और आप भी जब वृंदावन आएँ तो ऐसे ही आनंद के साथ आप, अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु जब आप वृंदावन आएँ तो वृंदावन आने का एक अलग ही आनंद फील होता है, आप उनको शब्दों में नहीं बोल सकते। क्योंकि जो रसगुल्ला खाएगा और जिसने रसगुल्ला नहीं खाया, वो कैसे बताएगा कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है। तो ठीक ऐसे ही वृंदावन का एक आनंद है, अनुभव है, तो जो चखता है केवल उसको अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप सभी दर्शन करिए और वृंदावन आइए, इस आनंद का अनुभव कीजिए, तो आपको स्वतः एक अलग अनुभूति होगी, जो कि सांसारिक जो संबंध होते हैं उन सभी से जब आप दूर आएंगे और इस धराधाम के इस पावन भूमि को स्पर्श करेंगे, तो जो वायु चलती है वृंदावन में वो बिहारी जी से स्पर्श होकर के, राधा वल्लभ जी से स्पर्श होकर के चलती है। और जब राधा वल्लभ जी और बिहारी जी से वायु स्पर्श होकर चलती है, तो वो वायु के अंदर एक आनंद होता है जो कि हमको एक अलग अनुभूति देती है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते रहिए। विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भगवत आनंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पाती महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, शक्त सुदर्शन महाभाग की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय। शंकराचार्य जी के यहाँ से मिला हमको चने का प्रसाद।